वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम ब्लॉग 96। और आज आ गया हूँ मैं KTM शाद्रा, और आज रिव्यू करने वाले हैं KTM ड्यूक 125 CC का। तो यहाँ आपको फ्रंट में हाइलोजन हेडलाइट मिल जाती है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर DRL लाइट भी बाइक के अंदर मिल जाती है 125 CC के अंदर ही। साथ ही साथ LED टर्न इंडिकेटर यहाँ बाइक के अंदर मिलते हैं। बात करते हैं बाइक के सस्पेंशन की, तो यहाँ आपको 43 mm के WP USD सस्पेंशन बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है 125 के हिसाब से। बात कर लेते हैं बाइक की ब्रेकिंग की, तो फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क मिलता है ड्यूल चैनल ABS के साथ में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ बाइक के अंदर आपको मिल जाता है। और टायर साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ बाइक के, तो यहाँ आपको 110/70 R70 का टायर साइज़ यहाँ फ्रंट में देखने को मिल जाता है। फुली डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ बाइक के अंदर मिलता है, जिसके अंदर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, LCD डिस्प्ले मिलती है यहाँ मीटर के अंदर आपको, लो फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस ड्यू इंडिकेटर यहाँ पर आपको मीटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अदर फीचर्स की बात करता हूँ, तो बहुत ही प्यारी हैंडलिंग है बाइक की। साथ ही साथ पासिंग स्विच और इंजन किल स्विच, दोनों ही चीज़ें आपको 125 CC में मिल जाएंगी। यहाँ आपको 13.4 लीटर का बहुत ही प्यारा सा फ्यूल टैंक मिलता है देखने के लिए। अब बात कर लेते हैं बाइक की सीट की, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। साथ ही साथ स्प्लिट सीट डिज़ाइन यहाँ आपको बाइक के अंदर मिल जाता है। कर लेते हैं बाइक की ग्राफिक की बात, बहुत ही प्यारी सी यहाँ 125 CC ड्यूक के अंदर भी आपको बड़ी ज़बरदस्त ग्राफिक मिलती है। इंजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ आपको 125 CC का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOSC Fi इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम 14.5 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 12 Nm का टॉर्क, सेल्फ स्टार्ट ओनली यहाँ आपको मिलने वाला है, वेट मल्टी डिस्क क्लच यहाँ आपको मिल जाता है, 6 स्पीड गेयरबॉक्स यहाँ आपको मिलता है 125 CC के अंदर भी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। BS6 2.0 वर्जन इंजन का कंपनी ने रखा हुआ है। रियर के अंदर आपको WP 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक देखने को मिलता है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ आपको चेन ड्राइव बाइक के अंदर मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं बाइक की रियर ब्रेकिंग की, तो रियर के अंदर आपको 230 mm का डिस्क मिल जाता है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छा सा आपको यहाँ पर मड फ्लैप मिलता है। अब बात कर लेते हैं बाइक के टायर साइज की, तो यहाँ आपको 150/60 R70 का यहाँ टायर साइज मिलता है। बात कर दो बाइक की एग्जॉस्ट की, तो यहाँ बहुत ही प्यारा सा अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि बहुत ही प्यारा साउंड देता है। रियर प्रोफाइल बाइक की बहुत ही अच्छी है, और यहाँ आपको LED टेल लाइट भी बाइक के अंदर मिल जाती है। साथ ही साथ अगर बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो 155 mm की यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। कर्व वेट की बात करें, तो 159 kg का यहाँ आपको कर्व वेट मिलता है। अगर प्राइस की बात करता हूँ, तो 1,78,000 एक्स शोरूम प्राइस बाइक का रहने वाला।